एवरीवन, आई एम पूजा पोखरण। मेरे यूट्यूब चैनल रोजगार गाइड पे फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से लेटेस्ट वैकेंसी लेकर आई हूँ जो कि सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल से आउट की गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहने वाला है, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्रेंड्स इस वैकेंसी से संबंधित लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने सेल की वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगी। होम पेज पे ही करियर सेक्शन पे क्लिक करने के बाद वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगी। यहाँ सबसे स्क्रॉल डाउन करने पे जॉब सेक्शन में वैकेंसी से संबंधित डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। राउरकेला स्टील प्लांट क्लिक हियर फॉर पोस्ट इन्फॉर्मेशन, ये डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। इसको की डिटेल है IISCO स्टील प्लांट एडवर्टाइजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट एंड एजुकेटिव नॉन एजुकेटिव पोस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल्स आपके सामने ओपन होके आ जाएगी। आइए देख लेते हैं क्या डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, वैकेंसी में आगे बढ़ने से पहले ISP रिक्रूटमेंट DR 2022-01 ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है। परमानेंट पोजिशन के लिए वैकेंसी है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एजुकेटिव एंड नॉन एजुकेटिव दोनों पोस्ट की वैकेंसी है। एजुकेटिव की बात करें तो यहाँ पर ईवन लेवल में असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है जिसमें टोटल 6 वैकेंसी है। एंड मैनेजर की बात करें तो यहाँ पर 4 वैकेंसी है। मैकेनिकल में 1 है, केमिकल में, मेटालर्जी में, सेरामिक में, सभी में 1-1 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। मेडिकल ऑफिसर में भी यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर में 5 पोस्ट हैं जबकि कंसल्टेंट में 3 लेवल की वैकेंसी है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन इंटेंसिव में 1 है, ऑर्थोपेडिक्स में 1, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोलॉजी में 2 है, ऑप्थाल्मोलॉजी में 1 है, कम्युनिटी मेडिसिन में 1, पीडियाट्रिक्स में 1, जनरल मेडिसिन में 1, जनरल सर्जरी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में 1-1 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। एंड नॉन एजुकेटिव पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में S3 लेवल की वैकेंसी है, टोटल 73 वैकेंसी है। मैकेनिकल में 20, मेटालर्जी में 14, इलेक्ट्रिकल में 20, इंस्ट्रूमेंटेशन में 5, केमिकल सिविल में 5, सेरामिक में 4 वैकेंसी है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहां से देख सकते हैं। जबकि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में 40 वैकेंसी यहां पर दी गई है। S1 ग्रेड की वैकेंसी है। फिटर में 13, इलेक्ट्रिशियन में 10, टर्नर में 5, वेल्डर में 2, हैवी व्हीकल ड्राइवर में 10 वैकेंसी दी गई है। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं रिजर्वेशन में। यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से रिजर्वेशन दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एजुकेटिव पोस्ट में असिस्टेंट मैनेजर BOE में 6 वैकेंसी है। अगर आपके पास BE BTEC मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंट में है तो अप्लाई कर सकते हैं। जबकि मैनेजर मैकेनिकल में BE BTEC मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। इसके अलावा 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एंड केमिकल एंड मेटालर्जी की बात करें, अगर आपके पास BE BTEC केमिकल में है या मेटालर्जी में है, इसके अलावा 7 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेरामिक में भी आपके पास BE BTEC सेरामिक इंजीनियरिंग में 7 ईयर एक्सपीरियंस है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल ऑफिसर के लिए MBBS के साथ में 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। बात कर लेते हैं कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर मेडिसिन इंटेंसिव में एंड ऑर्थोपेडिक्स में, गायनोलॉजी में, ऑप्थोमोलॉजी में, कम्युनिटी मेडिसिन में, पीडियाट्रिक्स में, जनरल मेडिसिन में, जनरल सर्जरी में। यहाँ पर इन सभी स्पेशलाइजेशन में PG डिग्री या DNB MBDNB मांगा गया है। यहाँ पर इन सभी स्पेशलाइजेशन में अगर आपके पास PG डिग्री है या DNB स्पेशलाइजेशन में है, यानी आपके पास ऑप्थोमोलॉजी में DNB है या कम्युनिटी मेडिसिन में है, पीडियाट्रिक्स में है, जनरल मेडिसिन में है, जनरल सर्जरी में है, इसके अलावा आपके पास 3 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि कंसल्टेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में MBBS के साथ में PG डिग्री हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मांगा गया है, साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में। नॉन एजुकेटिव पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन में ट्रेनी की, मैकेनिकल में, मेटालर्जी में, इलेक्ट्रिकल में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, केमिकल में एंड सिविल में, सेरामिक में एंड बॉयलर ऑपरेशन में,
यहाँ पर सिंपल आपका मैट्रिक यानी टेंथ क्लास पास आउट मांगा गया है। इसके अलावा 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास मैकेनिकल में एंड मेटालजी में, इलेक्ट्रिकल में एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में एंड सेरामिक इंजीनियरिंग में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बॉयलर ऑपरेशन में भी आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जबकि अटेंडेंट कम टेक्निकल टेक्नीशियन में ट्रेनी के लिए इलेक्ट्रिशियन में, फिटर में, टर्नर में, वेल्डर में एंड बॉयलर ऑपरेशन में दिया गया है तो यहाँ पर सिंपल 10th क्लास पास आउट मांगा गया है। इसके अलावा आपके पास ITI सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन में, फिटर में, टर्नर में, वेल्डर में में होना चाहिए। बात कर लेते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग में हैवी व्हीकल ड्राइवर के लिए, यहाँ पर 10th क्लास के बाद आपके पास वैलिड हैवी मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से यहाँ पर फॉलो होगा। सैलरी लेवल में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर E1 में 50,000 से 1,60,000 है। मेडिकल ऑफिसर के लिए भी यहाँ पर 60,000 से 1,80,000 है। कंसल्टेंट में मैनेजर में 80,000 से लेकर 2,20,000 आपकी यहाँ पर सैलरी है। नॉन एग्जीक्यूटिव में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में यहाँ पर S3 ग्रेड की वैकेंसी है 26,600 से लेकर 38,920 है। जबकि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन में बॉयलर में S1 में 25,070 से लेकर 35,070 यहाँ पे आपकी वैकेंसी है, सैलरी बनेगी। जबकि यहाँ पर ऑपरेशन कम टेक्नीशियन अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की यहाँ पर 2 साल का ट्रेनिंग चलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको 16,100 दिया जाएगा ऑपरेशन ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के लिए। सेकेंड ईयर में 18,300 है, जबकि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन 12,900 और सेकेंड ईयर में 15,000 आपको यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन S3 एंड S1 ग्रेड लेवल पर हो जाएगा। तो सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, इंटरव्यू के थ्रू ही सिलेक्शन होगा। अलग अलग यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं जो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड भी आपका चेक किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस में मैनेजर, कंसल्टेंट, मेडिकल ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर के लिए यहाँ पर जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 700 है, SC ST OBC के लिए PWD असेंबली 200 की फीस दी गई है। जबकि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी बॉलर में 500 की फीस है, SC ST में 150 है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी में 300 दी गई है जनरल OBC EWS के लिए, SC ST के लिए यहाँ पर 100 OBC फीस दी गई है। अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, 10 जनवरी 2023 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई कर कैसे करना है, इसके लिए वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं। यहाँ पर लॉगिन का डिटेल्स दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको स्ट्रीट ब्रांड की वेबसाइट यहाँ से डिटेल्स को देख सकते हैं। न्यू यूज़र है तो आपको न्यू यूज़र पर क्लिक करना होगा। किस फंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इसको के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सन सबमिट आपको करना है। यहाँ पर आपको एक ID क्रिएट करनी है, ID को यहाँ पर डालने के बाद आपको कैप्चा को फिल करके रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट कर लेना है। उसके बाद आप लॉग इन करके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप फिल करके उसे सबमिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके आप इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उसको इसकी जरूरत है, उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।